रियल लाइफ आयरन मैन, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक जैसे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क के नक्शे कदमों पे अब आईआईटी मद्रास भी चलना स्टार्ट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मद्रास लॉन्च कर रहा है अपना ग्लोबल लेवल हाइपरलूप पॉड कंपटीशन, वो भी इंडिया में। अब ग्लोबल लेवल का कंपटीशन इंडिया में आईआईटी मद्रास क्यों कर रहा है और ये हाइपरलूप पॉड नाम की अतरंगी चीज क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्रज्वल चांडक और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जानते हैं हाइपरलूप के बारे में। तो कहानी की शुरुआत जो है कुछ ऐसी हुई थी, कैलिफोर्निया में जो है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, बट ये बात से इलॉन मस्क बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्हें लगता था कि कैलिफोर्निया में जहाँ पे सिलिकॉन वैली, नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, ऐसे बड़े बड़े चीज जहाँ पे बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिमाग यूज होता है, जहाँ पे हम मार्स पर रोवर भेज रहे हैं, वहाँ पे हम आज भी स्लो और महंगे बुलेट ट्रेन यूज कर रहे हैं। क्या सही में बुलेट ट्रेन स्लो होते हैं? हाँ महंगे हो सकते हैं, बट इलॉन मस्क सर कहते कि ये बुलेट ट्रेन स्लो भी होते हैं। हाँ महंगे जरूर हो सकते हैं ट्रेन, बट स्लो आई डोंट फील बुलेट ट्रेन स्लो होते, बट हो सकता है उनके हिसाब से वो स्लो हो। ये चीज़ खुद इलॉन मस्क सर ने अपने पेपर में मेंशन की है, लेकिन इलॉन मस्क सर को तो एक जिद आ गई थी। उन्हें एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाना चाहिए था जो सेफ हो, जो सस्ता हो और जो हर आंधी तूफान से बच सके। और फिर क्या, वो लग गया ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को फाइंड करने के लिए। फिर उन्होंने प्लेन्स, बस, ट्रेन्स एंड बोट्स के बाद में उन्होंने निकाला फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसका उन्होंने नाम रखा था हाइपरलूप। अब टेक्निकली हाइपरलूप है क्या? तो हाइपरलूप एक रियल साइफर एंड फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन ये टेक्निकली उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो टेक्निकली एक सील्ड ट्यूब होता है जो दो स्टेशंस कहे या फिर सिटीज को जॉइन करता है, और उन ट्यूब्स के अंदर होते हैं पॉड्स, और वो पॉड्स में लगभग 28 लोगों को बैठने की जगह होती है। ये जो ट्यूब्स होते हैं वो कम्प्लीटली सील्ड होते हैं और फिर इन ट्यूब्स के थ्रू ये पॉड्स जो है ट्रेवल करते हैं। ये कंपैरेटिवली एरोप्लेन्स और बुलेट ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट, मतलब कि फ्यूल इफिशियंट होता है और फास्ट होता है, तो ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं और आपका बहुत ज़्यादा समय भी बचा सकते हैं। हेंस डेफिनेटली अगर ये इंडिया में आता है तो डेफिनेटली आई विल चूज टू यूज हाइपरलूप ओवर एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन्स। वेल ये हाइपरलूप जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक है, और अगर आप इसके कंप्लीट टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियो कंप्लीट जरूर बनाऊंगा। एकदम सरल भाषा में कहें तो हाइपरलूप एक सील्ड वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर में जो है हाई स्पीड ट्रेन्स ट्रैवल करती है और उनके रास्ते में कुत्ता, बिल्ली, भैंस और टिकर्स नहीं आते। तो अब आते हैं आईआईटी मद्रास के पॉइंट पे। तो इलॉन मस्क सर ने ये हाइपरलूप आइडिया का व्हाइट पेपर जो है रिलीज किया था, और इस पेपर के बाद में क्योंकि ये आइडिया काफी इनोवेटिव था तो काफी सारे लोग इस आइडिया में इंटरेस्ट लेने लगे, और इसके बाद में कई सारे स्टार्टअप्स भी आए, जैसे कि वर्जिन ने भी अपना एक हाइपरलूप सेगमेंट स्टार्ट कर दिया, और कई सारे स्टार्टअप्स आए जो चाहते थे कि हाइपरलूप फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रियल लाइफ में बिल्डअप करना। और इतना सारा इंटरेस्ट देख के इलॉन मस्क सर ने फिर स्टार्ट किया इंटरनेशनल लेवल पे हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन को। तो इंटरनेशनल हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन जो है इलॉन मस्क सर के दो कंपनीज, फर्स्ट टेस्ला एंड सेकेंड स्पेसएक्स, ये दोनों के एम्प्लॉयज मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। अब एक बहुत खास बात बताता हूँ आपको, टीम आविष्कार हाइपरलूप, ये आईआईटी मद्रास की हाइपरलूप की टीम है जो पूरे एशिया में अकेली टीम इंटरनेशनल हाइपरलूप पॉड के लिए फाइनलाइज हुई थी 2019 में। लॉस एंजलिस में जुलाई 21 में ये कॉम्पिटिशन जो है ऑर्गेनाइज हुई थी, और वहाँ पे ये लोग अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए, बट उन्होंने करोड़ों इंडियंस का दिल जीत लिया था, बिकॉज इलॉन मस्क को हम एक आइडियल मानते हैं, और इलॉन मस्क सर के कंपटीशन में अगर इंडिया से कोई रिप्रेजेंट करने जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है यार। इन जैसे लोगों को जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे काम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इन जैसे लोगों को हमें रोल मॉडल्स और सेलिब्रिटीज बनाना चाहिए, ना कि वो शिटी टिकर्स को। ओके बैक टू द टॉपिक। हालांकि ये कंपटीशन इंडिया जीत नहीं पाई थी, बट उस कंपटीशन को टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिश के लोगों ने जीता था, और 463 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था। वेल आई एम श्योर कि ये जो जानकारी है बहुत कम लोगों को इंडिया में पता है, और इसीलिए आईआईटी मद्रास जो है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, ऐसे टेक्निकल चीज़ों के बारे में एक एंथुजियाज्म, एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, और इसीलिए आईआईटी मद्रास जो है ग्लोबल लेवल पे इस कंपटीशन को इंडिया में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था। इस साल के जुलाई में आईआईटी मद्रास अपने कैंपस में इस ग्लोबल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाला था,
बट ड्यू टू कोरोना वायरस नाउ आई डोंट नो कि क्या ये हो पाएगा या ना हो पाएगा, बट आई होप कि भले ही अभी ना हो बट आगे चलकर ये कॉम्पिटिशन ज़रूर ऑर्गेनाइज हो। आई विश कि ये हो, और आप ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या सच में ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो पाएगी और कोरोना वायरस हमें सपोर्ट करके ऐसे इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करेगा क्या। आपके क्या सोच विचार है हाइपरलूप के बारे में, IIT मद्रास के बारे में और इस वीडियो के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स रीड करना काफ़ी अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स से ज़्यादा एनर्जी मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इंडिया में फिलहाल ऑलरेडी बुरा वक्त चल रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, और हम काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, और वही ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब भी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है। तो ये कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में प्लीज़ कॉन्ट्रोवर्सीज और हेट फैलाने वाले वीडियोज़ को शेयर मत करो, बट ऐसे इन्फोटेनमेंट और पॉजिटिव वीडियोस को लोगों में शेयर करो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में रादर देन जस्ट कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। रिमेंबर, जो पीपल सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज पर फोकस करते हैं, जो पीपल दूसरों की ज़िंदगी में फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहते, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हेंस शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, और इसीलिए ऐसे इंफोटेनमेंट वीडियो को शेयर करो, इससे आपकी ही और आपके फ्रेंड्स की ही ग्रोथ होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन छोड़ जाइए। दिस इज प्रज्वल चांडक साइनिंग ऑफ एंड वेरी सून वी विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव वीडियो। बाय बाय।